पंजाब में कांग्रेस की सत्ता आने से पहले कैप्टन ने पंजाब को नशा मुक्त करने का प्रण लिया था, लेकिन पंजाब में नशा कम तो हुआ लेकिन जो जड़ से खत्म करने की बात की गई थी वो स्रोत से बहुत दूर है। वहीं पंजाब पुलिस द्वारा नशे के विरोध में 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जिला मोगा में भी नशा विरोधी सेमिनार करवाए जा रहे हैं। पंजाब में नौजवान पीढ़ी अभी भी नशे की ग्रस्त में है। अब इस पर काबू पाने के लिए पंजाब पुलिस ने भी अपना अहम रोल अदा करना शुरू कर दिया है और पंजाब पुलिस गांव स्तर पर नशा विरोधी सेमिनार कर रही है ताकि युवा पीढ़ी को इस दर्द से दूर किया जाए। इन्हीं सेमिनारों की कड़ी के चलते जिला मोगा के कस्बा पढ़नी कुछ गाँव में SPH पृथ्वीपाल सिंह और DSPD सरबजीत की अगुवाई नशा विरोधी सेमिनारों का आयोजन किया। वहीं नशा विरोधी सेमिनार के दौरान उन्होंने कहा कि नशे के मामलों में की गई सख्ती से काफी हद तक ड्रग्स पर काबू पाया गया है। उन्होंने कहा कि नशा समाज के माथे पर एक बड़ा कलंक है और इसको खत्म करने के लिए हर नागरिक का फर्ज है जनता पुलिस का सहयोग करे ताकि एक सेहतमंद समाज की सृजना की जा सके। बदनी गला SHO बीबी भुपिंदर कौर के सदे से इस म्याणा बैरो पहुंचे हैं और उन्होंने सैमीनार लाया सी नशे के खिलाफ और असी बहुत ही उन्होंने शलाघा करते हैं और जोड़े उन्होंने नाल डॉक्टर आए सन डॉक्टर दीम इस तरह होनी चाहिए क्योंकि लोगों नशे के मारू प्रभाव का पता लग जाता भी नशा सबू की नुकसान पहुँचा इस करके कैंप लगने चाहिए और डॉक्टर दीम होनी चाहिए जिन्होंने नाल लोगों को भी पता लगे कि नशे का की नुकसान साड़ी सेहत को किस तरह गाड़ता है। नहीं आम लोग तो वैसे कहते चलो पुलिस वाले सैमीनार ला के रोले पाते रहते कड़ा फटते हैं पर असी कहीं कदम करके गल कहें कि जो किसी गल पानी हो सू तनो मनो तनो पुलिस का सहयोग दे के उन्होंने नाल चलने की लड़ है डॉक्टर दलाह लैके बच्चों के नशे भी छुटवाने चाहिए है ना कि उन्होंने घूर के ये नहीं पुलिस को फड़ा देना चाहिए नहीं उन्होंने इलाज भी करवा चाहिए पुलिस भी तैयार करती है कि असं इलाज करावे और डॉक्टर भी इस जरूर होने चाहिए जो इलाज करते हैं अभी उन्होंने धनवादी साढ़े टैंक कैंप के डॉक्टर साहब पहुँचे उन्होंने नशे का प्रभाव दसा भी 14-15 साल के मुंडे किस तरह नशे को लगते हैं तो उन्होंने जिंदगी का की प्रभाव पैंदा और किस तरह उन्होंने बचाया जा सकता है। यही कह साडे मानयोग DGP साहब वालों साडे मानयोग एडिशनल DGP बार्डर जोन सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू जी वालों ये खास हदायतों से 19 दसंबर तो लैके 26 दसंबर तक नशे के विरोध में यह सप्ताह मनाया जा रहा ये असी दो तरीके जिहड़ा हफ्ता मना रहे हैं एक तो वध तो वध नशे की रिकवरी करके नशा समगलरों फड़ के और नशा समगलिंग की मदद करने वाले लोगों के खिलाफ जी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं वध तो वध जिहड़े केस रजिस्टर किए जा रहे हैं और दूसरे पासे लोगों नूं इस नशे के मारू प्रभाव तो जाणू कराने लई सैमीनार राही नुक्कड़ मीटिंग राही पिंडां दे विच करके ड्रामा वगैरह करा के और नशे के केस जी प्रचार समग्री वंड के असीं लोगों नूं इस दे माड़े प्रभाव तो जाणू करवा रहे हैं ताकि जिहड़ा साडा पंजाब आ नशे की लान तो बच सके और जिहड़ी साडे बच्चे ने नौजवान पीढ़ी है उन्होंने इस दे नशे के माड़े प्रभावों भी का पता लग सके। डॉक्टर की टीम भी ले जा रहे हो जो सैमीनार ये जो सैमीनार अज जो करवाया गया पुलिस स्टेशन बदनी वालों ये जे दो तरह के जेडे असी बुलारे जो शामिल किए ने एक जो नशे के प्रभाव शरीर के उत्ते जो प्रतख पै रहे हैं वो रिगार्डिंग एक असी जो एक्सपर्ट बुलाए थे और एक जो समाजिक वर्तारा जो माड़ा नशे का पै रहा वो समाजिक प्रभाव पै रहे हैं वो रिगार्डिंग जी एक्सपर्ट बुला के लोगों जान सर तो फड़े जाने की भी गल की नशे तो फड़े गए हैं हूँ तक जिले के सप्ताह दौरान कि फड़िया गया हूँ तक बहुत सारे जोड़े इस हफ्ते दौरान जो केस रजिस्टर किए गए हैं तो सारे थाने के जोड़े आ मुलाजम साढ़े NGO इंस्पैक्टर जोड़े आ दिन रात करके इन्होंने समगलर की जी फड़ोफड़ी कर रहे हैं और काफ़ी वही मात्रा के जोड़े आ थाना मोगा केस रजिस्टर किए गए जनता ने कोई अपील करते हैं जनता को यही अपील करते हैं कि बड़ी वड्डी बीमारी है जिन्होंने पंजाब सरकार बड़े सिर तोड़ जतन करके दूर करने की कोशिश कर रही है और साडा पुलिस डिपार्टमेंट साढ़े मानयोग DGP साहब की हदायतों से जोड़ा ये खिलाफ़ कार्रवाई कर रहा सो लोगों को भी यह बेनती है कि इन दे नशे के अगेंस्ट वध तो वध खड़े होण जो लोग नशा बेच रहे हैं जो उन्होंने मदद कर रहे हैं उन्होंने वध तो वध जो बेनकाब करके
पुलिस को इतलाह दे के सानू उन्होंने फंड विच मार दिया।